नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में गर्मी का मौसम जल्दी आने के चलते गेहूं का उत्पादन उम्मीद से कम रहा। बीते कुछ वक्त से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा गेहूं से बनने वाले ब्रेड बिस्किट जैसे उत्पादों की कीमतें भी बढ़ी है। वह यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई चेन प्रभावित हुई और भारत सरकार उसका फायदा भारतीय किसानों को मिलने की बात कह रही है। सरकार ने ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट में इजाफा करने की बात कही है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार को थोड़ा सावधानी बरतते हुए एक्सपोर्ट की अपर लिमिट तय करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल वीडियो के बाद एक और निशाना साधा है। इस बार पार्टी ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि तमाम मुद्दों से जूझने के बीच कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पार्टी कर रहे हैं। भाजपा ने आईएनसी का नाम आई नीड सेलिब्रेशन एंड पार्टी बताते हुए तंज कसा है। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोप के बीच सत्ताधारी पार्टी की योजना अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचकर उनसे चर्चा करने की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रत्येक राज्य में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों को 6 जून से 8 जून तक समुदायों के साथ आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश दिया है। ताजमहल के 22 दरवाजे खोलने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कोविड-19 पर आयोजित दूसरी ग्लोबल वर्चुअल समिट में भाग लेते देखे गए। पीएम मोदी ने सितंबर 2021 को आयोजित पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। जम्मू और कश्मीर में आतंक का ग्राफ घटता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के आतंकी संगठनों में शामिल होने के 2022 के आंकड़ों ने राहत दी है। खबर है कि 2021 की तुलना में इस साल भर्तियों में करीब 60% की गिरावट दर्ज की गई है। खास बात है कि बीते 2 सालों में बड़ी संख्या में लोगों का आतंकी संगठनों से जुड़ना चिंता का कारण बना हुआ था। मनरेगा घोटाले के आरोप में पकड़ी गई झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल ने जेल लाए जाने पर चक्कर आने की शिकायत की। इस पर जेल के डॉक्टरों की जांच के लिए बुलाया गया था। जेल प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत सामान्य है। उन्हें मनरेगा के फंड का गबन करने के आरोप में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेजने का फैसला लिया गया था। उनके रिमांड आज से शुरू हो गई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में 2024 चुनाव की तैयारियां और संगठन में सुधार जैसे मुद्दे मुख्य रूप से चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी बड़े मंथन की संभावना है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को कमान सौंपने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खुद राहुल पद पर विचार करने को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर शुरू होने में 1 दिन का समय बाकी है। इसी बीच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर संशय बना हुआ है। खबर है कि उन्होंने अभी तक अपनी मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है। खास बात यह है कि लंबे समय से पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे सिब्बल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 400 लोगों की सूची में शामिल है जिन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उत्तर कोरिया ने कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि की और इसके साथ ही देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। इस लॉकडाउन को तानाशाह किम जोंग उन ने सीरियस इमरजेंसी का नाम दिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अब तक ये मानने से इनकार कर दिया था कि उसके यहाँ कोरोना का कोई केस मिला है, लेकिन अब खुद ही केस की पुष्टि की है और पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया में पहले भी कोरोना संक्रमण के काफी केसेस मिले थे। दिग्गज सर्च इंजन गूगल ने संस्कृत सहित 8 भारतीय भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा है। इंटरनेट फर्म लगातार अपने ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म पर कई क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ रही है। गूगल रिसर्च के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईजैक कैसवेल ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ईटी को बताया है कि संस्कृत गूगल ट्रांसलेट में नंबर 1 और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की जाने वाली भाषा है और अब हम इसे आखिरकार जोड़ रहे हैं। हम पूर्वोत्तर भारत से पहली बार भाषाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के कई मुफ्त योजनाओं का वादा किया है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थयात्रा से लेकर बिजली तक का ऐलान किया है। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। हाल ही में पंजाब फतह करने वाली आप ने राज्य में 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों से कम आधे लोग संक्रमण के 2 साल बाद यानी कि आज तक एक या एक से अधिक लक्षणों से पीड़ित है। द रेस्पिरेटरी मेडिसिन में मंगलवार को प्रकाशित एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है। ज्ञात हो कि कोरोना का सबसे पहला मामला 2019 के अंत में चीन में पाया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसका कहर टूट पड़ा था। अब चीन में रोगियों पर आधारित स्टडी में लॉन्ग कोविड के आसपास साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी के वायरस से फ्री होने के बाद भी लक्षण बने रहते हैं। चक्रवाती तूफान असानी बुधवार देर रात आंध्र प्रदेश से मछलीपट्टनम और नरसापुरम के बीच कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश से कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान तेज गर्मी पड़ने के आसार है।
रेलवे बोर्ड ने एक ही दिन में प्रथम श्रेणी के 19 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई है। कामकाज की समीक्षा के बाद इनमें से कई अफसरों को काम में असक्षम पाया गया था और उन्हें बार बार चेतावनी दी जा रही थी। बोर्ड इससे पहले 75 अफसरों को VRS भी दे चुका है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार दूसरी खुराक के बाद विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर खुराक के बीच के अंतर को कम से कम 90 दिन तक किया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह के लाभार्थियों से बातचीत की है। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे। इसके बाद पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंग किंग में गुरुवार को एक हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान एक यात्री विमान के रनवे से फिसल जाने और उसमें आग लगने से कम 40 लोग घायल हो गए। चीन की तिब्बत एयरलाइंस 122 लोगों के साथ एक यात्री विमान में अचानक आग लग गई जब विमान गुरुवार को देश के दक्षिण पश्चिम चोंग किंग शहर में उड़ान भर रहा था। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले जा रहे हैं। सभी टीमों ने 11 या इससे अधिक मैच खेल लिए हैं। इस दौरान रनों की बौछार देखने को मिली है। बल्लेबाजों के बीच टॉप पर बने रहने की जंग चल रही है। ऑरेंज कैप की रेस में कई धुरंधर शामिल है। राजस्थान के जोस बटलर का बल्ला पिछले 3 मैचों में शांत रहा है। बावजूद इसके वो ऑरेंज कैप की सूची में टॉप पर बरकरार है। इनके अलावा KL राहुल, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर का बल्ला भी खूब बोल रहा है। नीट PG 2022 परीक्षा टालने की मांग कर रहे उम्मीदवारों के लिए कल 13 मई 2022 का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट PG 2022 का 21 मई को आयोजन स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन किए कई उम्मीदवारों द्वारा दायर इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और PS नरसिन्हा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जानी है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटेंगल को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी जयंती 12 मई के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्हें लेडी विद लैंप की संज्ञा दी गई है। इस दिन के मुख्य समारोह अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के तत्वाधान में संपन्न होते हैं। इस दिन देश में राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कुछ नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार प्रदान भी करते हैं। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2827 मामले सामने आए। इसके अलावा 3230 लोग रिकवर भी हुए हैं। हालांकि इस दौरान 24 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। एक्टिव केस घटकर अब 19,067 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 427 सक्रिय मरीज कम हुए हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। बुधवार से सूर्य की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। गर्मी के साथ उमस भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। अब शुक्रवार से राजधानी लू की चपेट में आ सकती है। लू का ये प्रकोप रविवार तक जारी रहेगा। सोमवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी के तापमान फिर से कुछ कम होंगे। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। उधर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भीषण गर्मी और तेज लू के बीच सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों से कहा है कि वो सुबह जल्दी खोले और दोपहर से पहले बंद भी कर ले। स्कूलों से बच्चों को ड्रेस कोड की अनिवार्यता से भी राहत देने का सुझाव दिया गया है, जिसमें उन्हें नेक टाई और लेदर शूज में ही आने की बाध्यता में छूट दी जाए। इसकी जगह उन्हें आरामदायक कपड़ों में और स्पोर्ट्स शूज में आने की इजाजत देने का भी सुझाव दिया गया है। देश के 19% घरों में अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है, यानी इन घरों के लोग खुले में शौच करते हैं। जबकि सरकार ने 2019 में ही भारत को खुले में शौच से मुक्ति यानी कि ODF घोषित कर दिया था। हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में ये जानकारी सामने आई है। ये सर्वेक्षण 2019-21 में किए गए थे। पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ बैंकिंग के अलावा अन्य सरकारी सेवाओं को भी लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी पोस्ट पेमेंट बैंक मुख्य रूप से वित्तीय समावेश को पूरा करने का काम कर रहा है। साथ ही यहां कोर बैंकिंग सेवा के साथ QR कोड से भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब इसके काम के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ सरकारी योजनाओं को पूरा करने के विभिन्न सरकारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने में मदद करेगा। देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने वाला भारत निर्वाचन आयोग अब वैश्विक स्तर पर भी चुनाव सुधारों से जुड़ी मुहिम की अगुवाई करेगा। आसियान देशों में चुनावी प्रक्रिया को सशक्त बनाने से जुड़े संगठन एसोसिएशन ऑफ आसियान इलेक्शन अथॉरिटीज का अगले 2 सालों के लिए अध्यक्ष भारत निर्वाचन आयोग को बनाया गया है।
भारत के ज्यादातर उपभोक्ता अगले एक साल में अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर उत्साहित है, लेकिन उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। वैश्विक सलाहकार कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत उपभोक्ताओं के खरीद निर्णयों को प्रभावित कर रही है। भारत के ईवाई फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स के 9वें संस्करण के निष्कर्षों में कहा गया है कि बढ़ती जीवन लागत के प्रबंधन के बारे में अनिश्चितता की वजह से 80% लोग अधिक बचत कर रहे हैं। शहरी चकाचौंध ने गांव के सामने अपनी पहचान को कायम रखने की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे निपटने में अब गांव की अपनी पहचान और खासियत ही उनकी मजबूत ताकत बनेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए हाथ बढ़ाते हुए एक बड़ी पहल की है, जिससे देश भर के सभी गांव को की उनकी अनूठी पहचान को विश्व पटल जाना और पहचाना जा सकेगा। इसमें उसकी संस्कृति, कला, संगीत, मेले या फिर किसी दूसरी खासियत भी उसकी पहचान को और पुख्ता बना सकती है। राजीव कुमार को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उनकी नियुक्ति 15 मई से प्रभावी हो जाएगी, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दीपिका पादुकोण लुई विटॉन ब्रांड की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इसकी घोषणा फ्रांसीसी लग्जरी हाउस ने की है। दीपिका एम्बास्टोन और चाइनीज एक्टर झो डोंगयू के साथ डूफिन बैग के लिए लेदर वाले सामान के कैंपेन को लॉन्च करती देखी गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सुनील कुमार सिंह, नुन्नू कुमार, कलामुद्दीन अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, राशि कुमार, राधा रानी, आलोक कुमार, ध्रुव कुमार, कुणाल कुमार, धर्मेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए क्या आपके आसपास अभी कोविड-19 से जुड़े सख्तियों को पालन किया जा रहा है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।